अब बोल रही कि गोशा महल नहीं गए। अरे बाबा यूपी गए तो बोल रहे कि हमारे जाने से योगी जीत गया, अब गोशा महल जाने से कौन जीतेगा हमारे? ना इधर ही चैन है ना उधर भी चैन। इनके खिलाफ लड़ रहे, उनके खिलाफ लड़ रहे, जुबली से क्यों लड़ रहे, वहां से क्यों लड़ रहे? अरे भाई हम कमजोर थे, आरएसएस का टिल्लू है, बिल्कुल ऐसा ही है। नरसिम्हा राव के हक का आरएसएस से आ गया, कांग्रेस का सदर बन गया, मैं उसको आज से नया नाम देता हूं आरएसएस का टिल्लू। आरएसएस का टिल्लू, अरे आरएसएस के टिल्लू तू तो आरएसएस का है, तू लड़ लेना था गोशाला महल से, जीत जाना था। नहीं हमने लड़े, अरे ये लोग क्यों नहीं लड़े? लड़े तो भी परेशानी, नहीं लड़े तो भी परेशानी। हिंदुस्तान के मायानाज बैट्समैन है, बहुत अच्छे हैं, हमका हमने कभी इनकार किया, बड़े मशहूर बैट्समैन है, जबरदस्त रिस्क के शॉट्स लगाते थे, उनको लड़ा देना था वहां से, उनको जिता लेना था, हम रोकते थे क्या? अरे भाई आप बताओ, ना इधर ही चैन है ना उधर ही चैन। इल्जाम मनलिस पे, सिर्फ मनलिस मनलिस मनलिस, ऐसा करी वैसा करी वो करी ये करी। अरे 40 वर्ष तो तुम्हारा था ना इख्तदार, तो क्यों नहीं करे? किसने रोका? कुछ नहीं करे, सिर्फ इल्जाम, नहीं ऐसा करना था वैसा करना था, नहीं ये क्यों करे नहीं वो क्यों करे। अरे बाबा याद रखो, हिंदुस्तान में हम जैसा बोलने वाला नहीं है। जब बोले थे कि अकबर ओवैसी अभी जवान, अभी और लड़ना है, बहुत लड़ना है, डरने घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। 40 दिन जेल में रहा और अगर 40 महीने भी रहना पड़ेगा तो रहूंगा, उपले नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं। ए आरएसएस के टिल्लू, तेरी गर्दन को छुपा के रहूंगा, झुकेगी झुकेगी। आज से इसका नाम क्या है? टिल्लू। जोर से बोलो क्या नाम है? टिल्लू 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 के पूरे शहर में जहां भी जा रहा मुसलमान क्या बोलना? अरे आज हमसे वो भागना, अरे वहां बहुत बोलना है। आपसे यही कहूंगा, मुनज्जम रहिए, मुत्तहिद रहिए। 30 नवंबर को आसमानों में मांझा बेहतरीन सूदिया होना, कन्ने तो सालार की है, मादा मेरा सूता हुआ है, डोरा आपके हाथ में, बुजुर्ग खिला दिए हैं, नौजवानों के हाथ में डोर है, बस क्या करना है? ऐसा झुकाना है और ये।